Now, next theorem based on array operations के इसमें perform कराना searching given item into a given array. Suppose अगर आपके पास कोई array available है, ना array के अंदर just आपको search क्या करना है given elements. इस केस में जस्ट स्टेप्स क्या रहेंगे मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में सारे के साथ जितने भी कमिंग प्रोग्राम स्टार्ट डन करूं सभी के अंदर सेम स्टेप्स फॉलो करें इसलिए मेन फंक्शन कोड में ऑलरेडी राइट डन करूंगा स्पेशली कंसंट्रेट कर क्या करोगे गिवन प्रॉब्लम्स इस केस में जस्ट गिवन क्या पूछा क्या गया सर्च द गिवन एलिमेंट तो इस केस में एलिमेंट को सर्च करने के लिए सिंपली यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे या सर्च तो इस केस में कंसंट्रेट क्या करना ओनली सर्च ऑपरेशन है मेनी लॉजिक्स कैसे सेम एज previous means इस केस में सबसे पहले means already मैंने आपको बताया जब भी किसी प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं तो प्रोग्राम के केस में फर्स्ट स्टेप ऑलवेज फॉलो करो वेरिएबल डिक्लेरेशन तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड वेरिएबल्स क्या हो फर्स्ट वन सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड क्या होगा एरे यानी एरे के एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा इटरेटिव वेरिएबल आई एंड एरे के साइज को या लॉजिकल साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट यूज करेंगे लॉजिकल साइज बाय यूजिंग एन मींस इस केस में एरे क्रिएट करें मैक्सिमम साइज 100 लेकिन लॉजिकली एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने मैनेज करें ओनली एन एलिमेंट्स अगर n का वैल्यू 100 है तो एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने मैनेज करेंगे 100 अगर n का वैल्यू 5 है तो लॉजिकली मैनेज कितने एलिमेंट्स कितने मैनेज होंगे ओनली 5 एलिमेंट्स जबकि मेमोरी स्पेस कितने एलिमेंट्स के लिए एलोकेट होगा 100 एलिमेंट्स मींस वेरिएबल डिक्लेरेशंस के रिस्पेक्ट में फर्स्ट वन एरे डिक्लेरेशन देन आई इटरेटिव वैल्यू देन एन क्लियर दीज आर रिलेटेड टू एरे लेकिन इसके अलावा आपको इसमें स्पेशली परफॉर्म क्या करना सर्चिंग आइटम इस जिस आइटम को आप सर्च करना चाहते हो वो आइटम भी आपको कीबोर्ड से रीड करना पड़ेगा आइटम इज सम वैल्यू इस वैल्यू सर्चिंग वैल्यूज को स्टोर कराने की सेपरेट वैल्यू यूज करना है आइटम तो टोटल इसके इसमें 4 वेरिएबल डिक्लेरेशंस प्रोवाइड हुए हैं सेकंड स्टेप क्या है परफॉर्मिंग रीड राइट ऑपरेशंस मींस रीडिंग इनपुट्स और डिस्प्लेइंग सम आउटपुट मैसेज तो रीड राइट ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में जैसे इनपुट्स क्या क्या रीड कराना है सबसे पहले आप एरे के लिए साइज रीड करोगे तो साइज को रीड करने के लिए जस्ट साइज केस में मैनेज करें एन में तो एन के लिए वैल्यू रीड कराएंगे इस केस में जस्ट स्कैन है फंक्शन के थ्रू रीड किया हो रहा वैल्यू ऑफ एन एन से आप डिसाइड कर सकते हो मीन्स एरे के अंदर नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स मैनेज करने रिक्वायरमेंट मीन्स लॉजिकली कितने एलिमेंट्स मैनेज होंगे एन अगर एन का वैल्यू 5 एंटर किया है एरे का मैक्सिमम साइज या फिजिकल साइज क्या 100 लेकिन लॉजिकली मैनेज कितने एलिमेंट्स होंगे ओनली एन आइटम्स सेकेंड केस एन का वैल्यू रीड करने के बाद नेक्स्ट टाइम रीड क्या करा हुआ एन आइटम्स फॉर एरे एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स रीड करने की जरूरत है एन आइटम अगर एन का वैल्यू 5 है देन एरे में भी कितने एलिमेंट असाइन कराओ 5 अगर एन का वैल्यू 100 है तो एरे के अंदर कितने आइटम्स असाइन कराएंगे 100 तो नेक्स्ट है सेकंड केस में एलिमेंट्स किसके लिए रीड करेंगे एरे के लिए अब एरे के अंदर एन आइटम्स हैं तो इस केस में एरे के लिए एलिमेंट्स रीड करने के लिए जस्ट मैनेज क्या करेंगे लूप और लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है आपको फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1 तो सेकेंड केस में नेक्स्ट लेवल पर जस्ट रीड क्या हो रहा है एलिमेंट्स फॉर एरे यूजिंग स्कैन ऐप जस्ट इस केस में कितने आइटम्स रीड होंगे एन आइटम फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1 नेक्स्ट थर्ड स्टेप एरे रीड करने के बाद फोर्थ थर्ड केस में जस्ट आपको रीड क्या कराना है अगेन पार्ट ऑफ सेकंड स्टेप नेक्स्ट टाइम रीड क्या कराना सर्चिंग आइटम विच यू वांट टू सर्च तो इस केस में मीन्स जिस वैल्यूज को आप एरे के अंदर सर्च कराना चाहते हो उस आइटम को जस्ट सेपरेट वेरिएबल मैनेज करें वेरिएबल कॉल्ड एज आइटम तो नेक्स्ट टाइम वैल्यू किसके लिए रीड होगा जस्ट वेरिएबल आइटम मीन्स तीनों के तीनों स्टेप्स है लॉजिक किसके अंदर जस्ट रीड ऑपरेशन मीन डेटा या इनपुट रीड करने के बाद आपके लिए ऑपरेशन से अप्लाई करना पॉसिबल है तो ऑपरेशन या मेन लॉजिक्स के अंदर जस्ट सर्च लॉजिक्स तो सर्च ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करूंगा उसके साथ फंक्शन को नेम प्रोवाइड करूंगा ऑल्सो सर्च देन सर्च मीन स्पेशली इस केस में आपको कंसल्टेट क्या करना ओनली थर्ड स्टेप इज द मोस्ट इंपोर्टेंट केस फोर्थ केस में जस्ट आप आउटपुट डिस्प्ले करा हुए आउटपुट ऑफ सम रिजल्ट्स तो इस केस में आउटपुट क्या होगा सर्च के केस में टू पॉसिबल केस होंगे या तो एलिमेंट फाउंड होगा या नहीं होगा तो एलिमेंट को फाइंड मीन इस केस में सर्च फंक्शन यूज करेंगे अगर एलिमेंट फाउंड हो रहा है देन सर्च के केस में रिटर्न क्या करा हुए आइदर ट्रू और फॉल्स अगर गिवन आइटम एरे के अंदर एग्जिस्टिंग है देन ट्रू 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 के केस में फंक्शन से रिटर्न कराएंगे एज अ वन अगर गिवन आइटम नॉन एग्जिस्टिंग है देन इस केस में फंक्शन से रिटर्न क्या करा हुआ है जस्ट जीरो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया दूसरा केस क्या हो सकता है इस केस में सर्चिंग आइटम के केस में ट्रू और फॉल्स रिटर्न करा के दूसरा केस क्या रिटर्न कर सकते हो मीन्स अगेन टू पॉसिबल केस होंगे या तो आइटम एग्जिस्टिंग है नॉन एग्जिस्टिंग अगर आइटम एग्जिस्टिंग है मीन्स ट्रू अगर आइटम फाउंड हो रहा है उस केस में ट्रू होने के केस में रिटर्न क्या कराएंगे वन या ट्रू रिटर्न करा के रिटर्न क्या करा हुए सर्चिंग प्लेस का इंडेक्स और इंडेक्स क्या हो सकता है इन बिटवीन जीरो टू एन माइनस वन क्लियर दूसरा पॉसिबल केस क्या अगर आइटम फाउंड नहीं हो रहा है फाउंड नहीं हो रहा मीन इन केस ऑफ फॉल्स अगर आइटम फाउंड नहीं हो रहा है उस केस में इंडेक्स रिटर्न कराएंगे माइनस वन इस केस में रिप्रेजेंट क्या करेगा
आइटम नॉट फाउंड। तो आपके पास टू पॉसिबल क्राइटेरिया मीन्स जब भी सर्च ऑपरेशन पूछा जाएगा दोनों ही केस हो सकते हैं, या तो आपको सिंपल केस गिवन होगा चेक द गिवन एलिमेंट इज एग्जिस्टिंग और नॉट। अगर सिंपल केस पूछा जाए ना उस केस में रिटर्न किया करा ट्रू और फॉल्स, अगर आपसे बोला जाता है मीन्स रिटर्न और सर्चिंग इंडेक्स्ड पोजिशन ऑफ गिवन आइटम्स। अगर किसी आइटम के लिए इंडेक्स सर्च कराना मीन्स आइटम किसी इंडेक्स में फाउंड हो रहा है, हो सकता है वो आइटम रिपीट हो रहा है, आपको सर्च क्या करना फर्स्ट ऑकरेंस। तो इस केस में आप रिटर्न क्या कराओ इंडेक्स, इंडेक्स कैसे रिप्रेजेंट हुआ जस्ट आई से। दोनों ही केस है, दोनों ही केसेज में वन बाई वन एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं रिटर्न क्या कराऊंगा ट्रू और फॉल्स, सेकंड केस सेम केस कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्सेस। आउटपुट में जस्ट आपको डिस्प्ले क्या कराना है मीन्स रिटर्न वैल्यू के बेसिस पर चेक करो, अगर आइटम फाउंड हो रहा है डिस्प्ले करा लो यस आइटम इज फाउंड, अदरवाइज आइटम नॉट फाउंड। उसके इसमें जस्ट मैसेज या रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए मैंने यूज़ किया गया इफ एल्स स्टेटमेंट। मीन सर्च इफ के अंदर कॉल क्या कराएंगे जस्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे अभी सर्च, क्योंकि एक्चुअल लॉजिक इसके अंदर प्लेस करेंगे इनसाइड सर्च, ये क्या है जस्ट प्री डिफाइंड स्टेप्स, नथिंग न्यू। इस केस में कोई भी स्पेशल लॉजिक नहीं है। सर्च फंक्शन के केसेस में रिक्वायर्ड क्या हुआ, ये सबसे पहले सर्च के अंदर आपको रिक्वायर्ड क्या हुआ एरे, जैसे एरे के अंदर आप सर्च ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो देन एरे के रिस्पेक्ट में जब भी आप कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो तो एवरी टाइम रिक्वायर्ड क्या होता है साइज ऑफ एरे। इसलिए फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या पास करेंगे एरे नेम, सेकंड आर्गुमेंट में साइज ऑफ एरे, प्लस जैसे एलिमेंट को सर्च करना चाहते हो वो एलिमेंट सप्लाई हुआ जाए थर्ड आर्गुमेंट। फाइनली सर्च फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स कितने पास होंगे थ्री आर्गुमेंट। सर्च फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या लोगे, रिटर्न क्या कराना है आइदर 10 और इंडेक्स, चाहे इंडेक्स रिटर्न कराओ या 10 रिटर्न कराओ, सभी केस में वैल्यूज का टाइप क्या इंटीजर। इसलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या यूज करेंगे जस्ट इंटीजर टाइप, फंक्शन नेम है सर्च, क्लियर। इस केस में इस फंक्शन से रिटर्न किया आइदर ट्रू और फॉल्स, अगर ये फंक्शन सपोज आइटम एग्जिस्टिंग देने रिटर्न क्या करेगा ट्रू, देन रिटर्न वैल्यू रिप्लेस करेंगे इन साइड एज अ कंडीशन ऑफ इफ, अगर इस प्लेस पर ट्रू रिटर्न हुआ देन डिस्प्ले किया जाए आइटम फाउंड, अगर इस इफ के अंदर फॉल्स रिटर्न हुआ इस कॉलिंग फंक्शन से सर्च फंक्शन से डिस्प्ले कर आइटम नॉट फाउंड। तो फाइनली आपको कॉन्सेंट्रेट क्या करना मेन ऑपरेशन इनसाइड सर्च फंक्शन। तो सर्च फंक्शन के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट में पास किया हो रहा है एरे, एरे को एक्सेप्ट करने के लिए जस्ट रिक्वायर्ड क्या होगा पॉइंटर वेरिएबल। सेकंड आर्गुमेंट में पास किया हो रहा है जस्ट साइज ऑफ एरे, एक्चुअल फिजिकल साइज और लॉजिकल साइज, लॉजिकल साइज। थर्ड केस में क्या है जस्ट सर्चिंग आइटम और गिवन आइटम, गिवन आइटम को मैं जस्ट नेम दे रहा हूँ एज अ गिवन, जिसे एलिमेंट को आप सर्च करना चाहते हो। तो एलिमेंट को सर्च करने के लिए जस्ट आपके पास बेसिक आइडिया है बेसिक ऑपरेशंस क्या होंगे। सपोज दैट अगर आपके पास कोई एरे अवेलेबल है, एरे के केस में मैक्सिमम साइज क्या है इस केस में जस्ट 100। तो इस केस में कितने एलिमेंट्स के लिए स्पेस एलोकेट होगा 100, अगर एक सिंगल इंटीजर का साइज 2 बाइट है देन टोटल बाइट्स कितने एलोकेट होंगे 200 बाइट्स लाइक दैट एंड सो ऑन। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0, नेक्स्ट का 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन 99। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट 99। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस एज्यूम करो 100, 102, 104, 106 में सारे केस डिस्कस करें अकॉर्डिंग टू 16-bit C compiler। 16-bit C compiler के केस में इंटीजर का साइज क्या रहेगा जस्ट 2 bytes, क्लियर। दिस इज द एग्जिस्टिंग केस। प्लस इसके अलावा आपके पास इस प्लेस पर अवेलेबल क्या है साइज ऑफ एरे, सपोज दैट मैंने एन का वैल्यू एंटर कराया जस्ट 5, तो एरे के अंदर लॉजिकली एलिमेंट्स कितने मैंने जो ओनली 5 एलिमेंट्स। रीड ऑपरेशंस के थ्रू जस्ट कोई मैं वैल्यू रीड करा रहा हूँ लाइक 10, 5, 7, 9, 20 5 एलिमेंट्स, दिस इज द पोजिशन एन माइनस 1, क्लियर। वैलिड इंडेक्सेस क्या हूँ फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1, दीज आर एग्जिस्टिंग केस। इसके जस्ट और जैसे सर्च फंक्शन कॉल होगा तो सर्च फंक्शन में आर्गुमेंट क्या पास होगा इस एरे का बेस एड्रेस एन के प्लेस पर क्या पास हो जाएगा जस्ट वैल्यू ऑफ एन, और एन का वैल्यू क्या करंटली 5, 5 मीन साइज ऑफ एरे। आइटम के प्लेस पर सप्लाई किया गया सर्चिंग आइटम, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस एरे के अंदर 9 सर्च कराना है मीन 2 केस टेस्ट करेंगे फॉर एग्जिस्टिंग एलिमेंट नॉन एग्जिस्टिंग, 9 सर्च करना चाहता हूँ उस केस में थर्ड आर्गुमेंट मैंने पास किया एज अ 9, अगर 9 पास करो तो इस केस में सर्चिंग ऑपरेशन किसके लिए अप्लाई 9 के लिए, क्योंकि 9 एग्जिस्टिंग है इसलिए इस केस में रिटर्न क्या कराएंगे ट्रू। दूसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है इंडेक्स ऑफ 9 है, और 9 का इंडेक्स क्या है जस्ट 3। दोनों ही केस में कन्वर्ट करके 1 by 1 बताऊंगा। सबसे पहले ट्रू और फॉल्स के रिस्पेक्ट में चेक करें, ये सर्च ऑपरेशन काफी ईजी ऑपरेशन है मीन एरे के अंदर लेफ्ट टू राइट आप सारे के सारे एलिमेंट्स को विजिट करोगे 1 by 1 बाय यूजिंग लूप्स। देन सबसे पहले जो भी सर्चिंग आइटम है जैसे आइटम इस केस में सर्चिंग आइटम का वैल्यू क्या पास किया है 9 असाइन केस में हो जाएगा वेरिएबल गिवन, गिवन के केस में करेंटली वैल्यू क्या है एज अ 9
प्लस इसके अलावा क्रिएट क्या हो रहा है इसके अंदर इटरेटिव वेरिएबल एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हो वेरिएबल है आई आई के केस में फर्स्ट टाइम आसान क्या कराएंगे फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है जस्ट जीरो सबसे पहले आप गिवन आइटम को मैच किससे कराओगे जीरो इंडेक्स के आइटम से इस केस में टू पॉसिबल केस होंगे या तो मैच होगा या मैच नहीं होगा अगर मैच नहीं हो रहा तो मैच कैसे कराओ नेक्स्ट एलिमेंट से इस केस में कंपेरिजन एवरी टाइम गिवन आइटम का कंपेरिजन किससे हुआ इस लूप इटरेट करेंगे फ्रॉम लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन प्लस इसके अंदर इफ कंडीशन में इंटरनल टेस्ट क्या करेंगे इफ गिवन आइटम इज इक्वल इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है एलिमेंट कैसा एग्जिस्टिंग अगर सपोज दैट लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है एंड पोजिशन तक लेकिन ये कंडीशन एक बार भी ट्रू नहीं हुआ इसका मतलब एलिमेंट कैसा नॉन एग्जिस्टिंग क्लियर इस केस में जस्ट फोर लूप के थ्रू लूप के सारे एलिमेंट्स ट्रेवर्स करोगे जस्ट इसके साथ परफॉर्म क्या कराना ट्रेवर्स ऑपरेशन फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है जीरो इसलिए आई में क्या आसान करा लिया जीरो कंडीशन क्या रहेगा लूप कब तक चलाना है मीन्स सारे के सारे एलिमेंट विजिट कराना मीन्स अप टू पोजिशन एन माइनस वन इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा आइदर आई लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस वन और सिंपली आई लेस देन एन दोनों की मीनिंग कैसे सेम आई प्लस प्लस इस लूप के अंदर सिंपल इफ कंडीशन अप्लाई करना है इफ कंडीशन क्या रहेगा गिवन कंडीशन इफ मीन्स फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या है जीरो जीरो लेस देन फाइव कंडीशन ट्रू देन टेस्ट क्या करोगे वैल्यू ऑफ ए जीरो इज इक्वल इक्वल गिवन और नॉट इफ ए ऑफ आई मीन्स करेंट एलिमेंट इफ ए ऑफ आई इज इक्वल इक्वल टू गिवन अगर करेंट एलिमेंट का वैल्यू गिवन आइटम के इक्वल है देन आप क्या बोलोगे इस केस में आइटम फाउंड हो रहा देन इमीडिएटली रिटर्न क्या कराओगे इस केस में रिटर्न ट्रू अभी मैं जस्ट ट्रू और फॉल्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ ट्रू रिटर्न होगा तो ट्रू मीन्स वन क्लियर अगर सपोज दैट एक कंडीशन एक बार भी सेटिस्फाई नहीं हुआ देन उस केस में कहीं ना कहीं आई का वैल्यू फाइव हो चुका होगा सारे के सारे एलिमेंट विजिट होने के बाद आई का वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा फाइव तभी तो एक कंडीशन फॉल्स होगा फाइव लेस देन फाइव देन अगर कंट्रोल लूप से बाहर आ चुका था इसका मतलब क्या इफ कंडीशन को एक भी बार चांस नहीं मिला देन इस केस में आउटसाइड लूप आप रिटर्न क्या करा सकते हो रिटर्न फॉल्स मीन्स आइटम नॉट फाउंड दिस इज द लॉजिक्स ऑफ सर्च ऑपरेशन मीन्स सिंपली आपको एरे के सारे एलिमेंट विजिट कराना देन सारे के सारे एलिमेंट से एवरी टाइम कंपेरिजन किसका वो गिवन आइटम का इसको मैं एग्जीक्यूट करके बता रहा हूँ आई का वैल्यू क्या है जीरो देन कंडीशन टेस्टिंग जीरो लेस देन वैल्यू ऑफ एन विच इज फाइव कंडीशन इज ट्रू ट्रू है देन ए ऑफ आई मीन्स आई का वैल्यू क्या है जीरो और ए ऑफ जीरो में क्या फाउंड हो रहा है टेन फर्स्ट टाइम यहाँ कंपेरिजन किसका हो रहा है टेन का लेकिन गिवन आइटम फिक्स्ड है ए ऑफ आई बार बार चेंज होगा गिवन आइटम क्या है नाइन कंडीशन ट्रू और फॉल्स कंडीशन फॉल्स इफ कंडीशन फॉल्स है देन परफॉर्म क्या होगा आई प्लस प्लस आई बिकम्स वन अगेन कंडीशन टेस्टिंग नेक्स्ट टाइम वन लेस देन फाइव कंडीशन अगेन ट्रू फॉर लूप के केस में कंडीशन कैसा ट्रू लेकिन अगेन चेक कर सकते हो गिवन का वैल्यू अभी भी क्या है नाइन लेकिन इस केस में ए ऑफ आई आई इंडेक्स क्या बन हुआ वन इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा फाइव तो नेक्स्ट टाइम रिप्लेस क्या हुआ फाइव नेक्स्ट टाइम सेकेंड एलिमेंट के साथ कंपेरिजन हुआ फाइव इक्वल इक्वल नाइन कंडीशन ट्रू और फॉल्स अगेन कंडीशन फॉल्स फॉल्स है देन परफॉर्म क्या होगा आई प्लस प्लस मीन्स नेक्स्ट टाइम आप ट्राई किसके लिए करोगे कंपेयरिंग नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है टू के इसमें नेक्स्ट टाइम अगेन इफ कंडीशन सॉरी फोर लूप का कंडीशन टेस्ट होगा टू लेस देन फाइव कंडीशन इज ट्रू देन इफ कंडीशन टेस्ट होगा बॉडी पार्ट में गिवन आइटम फिक्स्ड है नाइन इसलिए एवरी टाइम क्या आएगा नाइन लेकिन ए ऑफ आई आई का इंडेक्स टू है और टू इंडेक्स में करंट एलिमेंट कौन है जस्ट सेवन तो नेक्स्ट टाइम कंपेरिजन किसका होगा सेवन के लिए सेवन इक्वल इक्वल नाइन इसे ए ऑफ आई नाइन के इक्वल है क्या नहीं फॉल्स फॉल्स है देन अगेन कंट्रोल कंसेंट होगा आई प्लस प्लस के केस में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट थ्री अगेन फोर लूप कंडीशन टेस्टिंग थ्री लेस देन फाइव कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स कंडीशन इज ट्रू ट्रू है देन अगेन इफ कंडीशन में ए ऑफ आई का वैल्यू मैच किसे होगा गिवन का वैल्यू नाइन है और ए ऑफ आई आई का इंडेक्स क्या करंटली थ्री तो थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट क्या है नाइन इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो नाइन इक्वल इक्वल नाइन कंडीशन ट्रू मीन्स एलिमेंट फाउंड हो चुका है जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ इसका मतलब क्या है गिवन एलिमेंट एरे के अंदर फाउंड हो रहा देन इमीडिएटली इफ कंडीशन ट्रू होने के अकॉर्डिंग बॉडी पार्ट से रिटर्न क्या हो जाए जस्ट रिटर्न वन कॉलिंग प्लेस पर इफ कंडीशन में रिटर्न क्या हुआ वन मीन्स ट्रू एंड डिस्प्ले क्या हो जाएगा आइटम फाउंड दूसरा पॉसिबल केस क्या है सपोज दैट इस प्लेस पर नाइन के प्लेस पर एलिमेंट क्या था 90 तो 99 10 से मैच हो रहा नहीं 5 से मैच हो रहा नहीं 7 से करेंटली किससे कंपेयर हो रहा है 90
सॉरी सर्चिंग आइटम क्या है 90 और ए ऑफ आई में क्या है जस्ट 9, अगेन कंडीशन फॉल्स, फिर से आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, आई की वैल्यू 4 है तो अगेन फोर लूप के केस में कंडीशन टेस्टिंग 4 लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू, फोर लूप का कंडीशन ट्रू लेकिन इफ कंडीशन टेस्ट होगा, इफ कंडीशन में जस्ट ए ऑफ आईथ पोजिशन आई क्या है 4, तो फोर्थ पोजिशन का एलिमेंट क्या है 20, इस प्लेस पर 20 का कंपेरिजन किस और 90 से अगेन कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है देन आई प्लस प्लस होगा 5, आई प्लस प्लस के केस में अगेन आई का वैल्यू 5 है देन फोर लूप का कंडीशन टेस्ट करेंगे वन मोर टाइम्स, आई के प्लेस पर क्या आएगा 5, 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स, फोर लूप का कंडीशन फॉल्स हो चुका, कंट्रोल का आएगा आउटसाइड लूप रिटर्न क्या होगा रिटर्न 0, क्यों इस केस में आप चेक कर सकते हो गिवन एलिमेंट सभी एलिमेंट से मैच करा चुके हैं, अगर ये किसी से भी मैच नहीं हो रहा देन इसका मतलब क्या कंट्रोल का आ चुका है आउटसाइड लूप देन रिटर्न क्या करा हुए 0, लेकिन डायरेक्टली इफ और एल्स के थ्रू रिटर्न 0 कराना पॉसिबल नहीं, अगर आप इस टाइप से कोई लॉजिक रिक्वायर्ड कर रहे हो एल्स रिटर्न 0 इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, रीजन कि इस केस में जब फर्स्ट इटरेशन नहीं परफॉर्म हुआ फर्स्ट टाइम ए ऑफ 0 के लिए कंडीशन टेस्ट हुआ देन ए ऑफ 0 के साथ गिवन आइटम अगर मैच नहीं रहा देन इस केस में अगर एफ का कंडीशन फॉल्स है देन चांस किसको मिलेगा एल्स को, देन फर्स्ट टाइम में डायरेक्टली रिटर्न क्या हो जाएगा 0, जबकि हो सकता है कोई गिवन एलिमेंट 0 इंडेक्स होना होगी नेक्स्ट एलिमेंट में फाउंड हो देन नेक्स्ट में कोई कंपेरिजन परफॉर्म हुआ क्या, इसलिए एल्स कंडीशन लूप के बाद प्रोवाइड करोगे ना कि इनसाइड इफ, प्लस इस केस में कोई एल्स कंडीशन हुआ नहीं डायरेक्टली रिटर्न क्या करा हुआ रिटर्न 0, दूसरा पॉसिबल केस क्या है इस केस में जस्ट रिटर्न क्या करा है आइदर 1 और 0, सपोज दैट अगर आप सर्चिंग एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कराना चाहते हो तो इंडेक्स एवरी टाइम किस में मैनेज हो रहा है आई में, जैसे इस केस में आपको याद हो सर्चिंग एलिमेंट क्या था 9, 9 किस इंडेक्स से मैच हुआ थर्ड इंडेक्स, इस केस में आई का वैल्यू क्या था 3 और 9 का इंडेक्स भी क्या है ऑल्सो 3, तो इस केस में 1 रिटर्न अगर आगे 1 के प्लेस पर क्या यूज कर सकते हैं आई, तो इस केस में रिटर्न क्या होता है आई का करंट वैल्यू क्या है 3, तो रिटर्न क्या हो जाएगा 3 इन कॉलिंग प्लेस, देन इस प्लेस पर आप चेक करोगे इस प्लेस पर इफ में ट्रू और फॉल्स के रिस्पेक्ट में चेक ना करिए, इफ के केस में प्रोवाइड क्या करेंगे कंपेरिजन, इफ के केस में टेस्ट करोगे मीन्स इस केस में फॉल्स कंडीशन क्या होने अगर आइटम फाउंड नहीं हो रहा है देन उस केस में रिटर्न कराएंगे सम इनवैलिड इंडेक्स मीन्स -1, तो इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है आइदर -1 और सम वैलिड इंडेक्स, तो इस केस में चेक करोगे अगर आई का वैल्यू सॉरी इस केस में सर्च फंक्शन का गिवन वैल्यू या रिटर्न वैल्यू अगर -1 से बड़ा है और नॉट इक्वल्स टू -1 देन उस केस में कंडीशन क्या हो जाए ट्रू देन डिस्प्ले क्या हो जाए आइटम फाउंड, अगर आइटम फाउंड नहीं हो रहा देन इस प्लेस पर रिटर्न क्या हुआ -1 देन -1 ग्रेटर देन -1 कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है देन इस केस में डिस्प्ले क्या हो जाए आइटम नॉट फाउंड, और दूसरा कंडीशन क्या राइट डाउन कर सकते हैं इस प्लेस पर रिटर्न वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू -1, अगर -1 के इक्वल है देन आइटम फाउंड हो रहा है एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, अगर नॉट इक्वल है देन रिटर्न डिस्प्ले का आइटम फाउंड, आइटम फाउंड हो रहा है देन उस केस में अगर आपको रिटर्न वैल्यू आपको कोई स्टोर कराना है तो सेपरेट वेरिएबल में भी असाइन करा सकते हो उस वैल्यू को डिस्प्ले कराना पॉसिबल, मीन इस केस में डिफरेंट टाइप से मैसेज क्या डिस्प्ले करा सकते हैं इस द सेकंड केस, इस केस में जस्ट मैं कोड किसके रिस्पेक्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ रिस्पेक्ट टू इंडेक्स्ड पोजीशन, तो इस केस में जो भी रिटर्न इंडेक्स है उस रिटर्न इंडेक्स के केस में जस्ट डिस्प्ले क्या करा लेंगे प्रिंट एफ, इस केस में सबसे पहले जो भी रिटर्न इंडेक्स है इंडेक्स को मैं किसी पोजीशन वेरिएबल पी में असाइन कर रहा हूँ, तो पी इक्वल्स टू सर्च कॉल क्या करेंगे इस केस में फंक्शन नेम है सर्च एरे नेम एरे साइज एंड सर्चिंग आइटम देन इसके जस्ट और पी के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होंगे आइदर वैलिड इंडेक्स फ्रॉम 0 टू एन -1 और -1, इस केस में जस्ट कंडीशन अप्लाई करोगे इफ P इक्वल इक्वल -1, अगर P का वैल्यू -1 के इक्वल है इसका मतलब क्या है आइटम नॉट फाउंड, पुट्स डिस्प्ले क्या करा हुआ इस केस में आइटम नॉट फाउंड, दूसरा पॉसिबल केस क्या है अगर -1 के अलावा कोई भी अदर वैल्यू रिटर्न हुआ है अदर वैल्यू क्या होगा इसको गेस करना पॉसिबल नहीं क्या डिपेंड करेगा रेंज ऑफ 0 टू n -1 क्लियर, देन अदर केस में डिस्प्ले क्या करा लेंगे पोजिशन और सर्चिंग एलिमेंट का इंडेक्स देन इस केस में चांस किसको मिलेगा एल्स ब्लॉक, एल्स ब्लॉक में डिस्प्ले कराएं प्रिंट एफ आइटम फाउंड एट विच पोजिशन आइटम फाउंड एट परसेंट डी इंडेक्स, और परसेंट डी के प्लेस पर डिस्प्ले क्या करा लेंगे इंडेक्स किस में असाइन करा चुके हैं ऑलरेडी वेरिएबल पी में तो डिस्प्ले क्या करा हुआ पी, तो इस टाइप से सर्च ऑपरेशन टू डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पर परफॉर्म करना पॉसिबल है, या तो आप इंडेक्स के बेसिस पर परफॉर्म कराओ या फिर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स जस्ट आपको एक्नॉलेजमेंट क्या प्रोवाइड करेगा आइदर आइटम इज एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग, लेकिन इंडेक्स के केस में आपके पास
ये पर्टिकुलर ऑपरेशन आपको प्रोवाइड किया कर रहा है, मीन्स आइटम एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग के साथ साथ प्रोवाइड किया कर रहा है। अगर आइटम एग्जिस्टिंग है देन किस प्लेस पर फाउंड उस प्लेस का इंडेक्स भी प्रोवाइड हो रहा है। क्लियर, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन मोस्टली आप यूज करोगे। नेक्स्ट कमिंग में कई सारे एग्जाम्पल यूज करोगे, इसके बार बार आपको रिक्वायर्ड क्या होंगे, सर्च ऑपरेशंस।